आज मैं आपको अल्लाह उसमत का ऐसा वजीफ़ा बताने लगी हूँ जिससे इंशाल्लाह ताला आपकी हर जायज़ मुराद बहुत जल्दी पूरी हो जाएगी। बंद किस्मत के दरवाज़े खुल जाएंगे, रिज़्क़ की तंगी दूर हो जाएगी, मुश्किलात में कमी होगी, ज़हनी सुकून, माली आसूदगी और सेहत अता होगी। अऊज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अस्सलामु अलैकुम। 5 वक्त की नमाज़ की पाबंदी कीजिए, ज़बान पर इस्तग़फ़ार और दरूद शरीफ का वीर जारी रखा कीजिए, सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। नाज़रीन, आपको मेरे चैनल पर हर किस्म के कुरानी वज़ाइब और तिब के नुस्खे मिलेंगे जो ज़िंदगी के मसाइल को हल करने में काम आएंगे। मेरी मज़ीद वीडियोस को देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। सवाल जवाब के लिए कमेंट्स करें। जज़ाकअल्लाह। आज मैं आपको अल्लाह उसमत का ऐसा वजीफ़ा बताने लगी हूँ जिससे इंशाल्लाह ताला आपकी हर जायज़ मुराद बहुत जल्दी पूरी हो जाएगी। बंद किस्मत के दरवाज़े खुल जाएंगे, रिज़्क़ की तंगी दूर हो जाएगी, मुश्किलात में कमी होगी, ज़हनी सुकून, माली आसूदगी और सेहत अता होगी। बस आपने इस वजीफे को अपनी ज़िंदगी का मामूल बना लेना है और रोज़ाना इसका विट करना है। फिर आप देखिएगा कि आपके हालात कैसे बदलते हैं। ये बहुत मुजरब अमल है, जिसने भी किया है सब कुछ पा लिया है। जो लोग आपसे मुंह मोड़ चुके हैं, इज्जत नहीं दे रहे, या घर में लड़ाई झगड़ा रहता है, बेऔलादी है, घर में हमेशा नचाकी रहती है, बीमारियां हैं, परेशानियां हैं, इंशाअल्लाह ताला सब मसले ख़त्म हो जाएंगे। ये वो अमल नहीं है कि जिसे आपने पढ़ा और इसका फ़ायदा आपको बहुत देर बाद मिलेगा। ये एक ऐसा अमल है जिसका फौरी नतीजा निकलता है। बस आपने इसे बड़े यकीन के साथ और खुश दिली के साथ करना है। इस वजीफ़े को आप फजर या मगरिब की नमाज़ के बाद जाए नमाज पर बैठकर कर सकते हैं, या चाहें तो दिन में किसी भी वक्त ये अमल कर लें। लेकिन इसके लिए ज़रूरी है कि आप एक ही जगह बैठकर ये अमल करें और उस जगह से जब तक ये वजीफ़ा मुकम्मल नहीं हो जाता ना उठें। अमल या वजीफ़ा ये है, पूरी तवज्जो से सुनिएगा। आप जिस मकसद या जिस ख्वाहिश के पूरा होने के लिए ये वजीफ़ा कर रहे हैं, उसकी नीयत अपने जहन में कर लें। सबसे पहले एक बार कोई सा दरूद शरीफ पढ़ें, फिर एक एक बार सूरत इखलास और सूरत कौसर बिस्मिल्लाह रहमान रहीम के साथ पढ़ें। 21 बार या रहीमो पढ़ें। इसके बाद 35 बार अल्लाह समद पढ़ें और आखिर में एक मरतबा दोबारा दरूद शरीफ पढ़कर अल्लाह ताला से दुआ मांगें। इस वजीफ़े को मुकम्मल करने में सिर्फ 5 मिनट लगते हैं, लेकिन इसके फ़ज़ाइल बहुत ज़्यादा हैं। आप पूरे यकीन कामिल के साथ और खुश दिली के साथ ये वजीफ़ा कीजिए और अपनी मुरादें पाइए। आखिर में दुआ है कि अल्लाह ताला हम सब की तमाम जायज़ मुरादें पूरी फरमाए और अपने नेक बंदों में हमारा शुमार करे। आमीन। आज के लिए इतना ही। इंशाअल्लाह ताला एक और नई वीडियो के साथ दोबारा हाजिर होंगी। आप इजाज़त चाहूँगी। अल्लाह ताला हम सब का हामी व नासिर हो। अल्लाह हाफिज़।